शहरात घरगुती गॅसचा अवैधरित्या वापर करून त्या गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने कारवाई केली. या कारवाईत मोठ्या सिलेंडरमधून गॅस काढून छोट्या सिलेंडरमध्ये गॅस भरण्याच्या साहित्यासह 58 गॅस सिलेंडर असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी MIDC पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलेंडरचे दर दिवसागणित गगनाला भिडत असताना दुसरीकडे याच घरगुती गॅस सिलेंडरचा काळा बाजार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. चोरी छुप्या रीतीने हॉटेल व्यावसायिकाकडून तर वापर केला जातोच, याशिवाय वाहनामध्येही CNG गॅसऐवजी घरगुती गॅस भरून देण्याचे अड्डे सुरू आहेत. आणि आता त्यात भर म्हणजे मशीनचा वापर करून मोठ्या सिलेंडरमधून गॅस काढून छोट्या सिलेंडरमध्ये भरण्याचा अवैध कारोबार उपराजधानीत सुरू झाला आहे. यावर पोलिसांनी रेड कारवाई करत 52 सिलेंडर जप्त केले आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहे. यूनिट 1 को कल एक जानकारी मिली थी कि पुलिस ने MIDC के जुडिशियल में SRPO गेट नंबर 2 के पास जो मेट्रो का पिलर नंबर 34 है उसके सामने एक दुकान है, वहाँ पर अवैध रीति से सिलेंडर स्टॉक किया हुआ है. और वही का जो दुकानदार है वो रिफिलिंग मशीन द्वारा भरे हुए सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे छोटे खाली सिलेंडर में भरता है और वो फिर वो ब्लैक में बेचता है. ऐसी जानकारी मिलती है. हम वहाँ पर जब पंचायत पहुँचे तो हमें को वहाँ पे वो लड़का जिसका नाम चंद्र गुंडा ने, उम्र उसकी 25 साल है और चंद्रमणि नगर रामेश्वर रोड अजनी में रहने वाला है. उसने दुकान किराए से ली हुई है. वहाँ पर वो मशीन के द्वारा सिलेंडर भरे हुए सिलेंडर से गैस निकालते हुए हमको मिला. तब उन्होंने और पूछताछ की छानबीन की, तब हमको उसके गोडाउन में से टोटल 52 सिलेंडर मिले, जिसमें छोटे सिलेंडर 37 और बड़े 18 सिलेंडर, ऐसे हमको पूरा मुद्दा मिला. वो पूरा ताबे में लेकर उसके ऊपर IPC का 285 और EC Act 3 और 7 के अन्वय MIDC थाने में